हेलो एंड वेलकम। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि अगर आपका कोई वेरिएबल है जिसकी वैल्यू कंटिन्यूसली चेंज हो रही है, ठीक है, तो उस वेरिएबल को हम डिस्प्ले पे कैसे शो करते थे, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ नंबर टूल, ठीक है, वो हमने देखा था। एंड ऑल्सो हमने टेक्स्ट वाला जो टूल था उसका भी एक ओवरव्यू लिया था कि टेक्स्ट वाला टूल, अगर आपका कोई स्टेटिक टेक्स्ट आपको सेट करना है स्क्रीन पे तो वो उसके लिए आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साइटेक्स कड़ा का मोडबस कम्युनिकेशन, ठीक है। अगर आपका कोई पीएलसी है आपके फील्ड में एंड अगर वो स्पेसिफिकली स्नैटर का पीएलसी है जो कि मोडबस सपोर्ट करता है, तो फिर आप उसके वेरिएबल या फिर उसके जो टैग्स है पीएलसी के टैग्स, उसका डेटा आप साइटेक्स कड़ा में कैसे रीड कर सकते हैं, ठीक है। ये वीडियो स्पेसिफिकली साइटेक्स कड़ा टू मोडबस कम्युनिकेशन उस पे है, ठीक है। एंड मोडबस कम्युनिकेशन के लिए आपको एक पीएलसी चाहिए, एंड अगर आपके पास अगर पीएलसी नहीं है, ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे कंट्रोल एक्सपर्ट करके जो सॉफ्टवेयर है जो हेडर की पीएलसी को प्रोग्राम करने के लिए यूज होता है, उसे हम सिमुलेटर मोड में ऑन करके हमारा जो पीएलसी का नीड है उसे फुलफिल करता है, ठीक है। सो मैंने यहाँ पे एक प्रोग्राम बना के रखा है मोडबस सिमुलेटर का कंट्रोल एक्सपर्ट वर्जन 14.1 में, ठीक है। तो अभी हम पहले तो इस प्रोग्राम को देख लेते हैं कि इस प्रोग्राम में क्या है। ठीक है, सो ये हमारा मोडबस सिमुलेटर का प्रोग्राम है जिसमें मैंने तीन वेरिएबल यहाँ पे लिया हुआ है, ठीक है। इन वेरिएबल का नेम है वेरिएबल वन, वेरिएबल टू एंड वेरिएबल थ्री, ठीक है। जो पहला वेरिएबल है वो बूलियन टाइप वेरिएबल है, ठीक है, जिसका एड्रेस है परसेंटेज एम जीरो, जिसका मोडबस एड्रेस है परसेंटेज एम जीरो, ठीक है। एंड उसके बाद है मेरा वेरिएबल टू, ठीक है, उसका टाइप है इंटीजर एंड उसका एड्रेस है परसेंटेज एम डब्ल्यू जीरो। एंड मेरा थर्ड वेरिएबल है जिसका डेटा टाइप है रियल एंड उसका एड्रेस है परसेंटेज एम डब्ल्यू टू, ठीक है। हम इन तीन वेरिएबल का जो वैल्यू है वो हम साइटेक्स कार्ड में रीड करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम उन वेरिएबल की वैल्यूज को कंट्रोल एक्सपर्ट में मॉडिफाई करेंगे एंड रिटर्न हम साइटेक्स कार्ड में जाएंगे उस वेरिएबल की वैल्यू को चेक करने के लिए वो अपडेट हो रही है स्क्रीन पे या नहीं, ठीक है। सो वो इस वीडियो में हम प्रैक्टिकल देखेंगे, ठीक है। हम यहाँ पे जो कंट्रोल एक्सपर्ट सॉफ्टवेयर है उसे हम सिमुलेटर मोड में रन करेंगे, सो हमें यहाँ पे एक मोडबस सर्वर मिल जाएगा, ठीक है, इंटरनल मोडबस सर्वर। सो हम साइटेक्स कार्डा को इस सिमुलेशन के साथ कनेक्ट करके हमारा टेस्टिंग कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें रिबिल्ड ऑल प्रोजेक्ट करना है, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे पीएलसी को सिमुलेशन मोड में सेट करना है एंड देन कनेक्ट, ठीक है। उसके बाद पीएलसी में जाना है एंड ट्रांसफर प्रोजेक्ट टू पीएलसी, ठीक है, एंड यहाँ पे आपको ये ऑप्शन टिक रखना है पीएलसी रन आफ्टर ट्रांसफर एंड प्रोजेक्ट को ट्रांसफर करना है, ठीक है। कंफर्म रन ऑन दिस प्रोजेक्ट पे ओके पे प्रेस करना है, सो आपका प्रोजेक्ट यहाँ पे रन मोड में है एंड आपका जो सिमुलेटेड पीएलसी है उसका आईपी एड्रेस है 127.0.0.1, ठीक है। एंड आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरा सिमुलेटर अभी रनिंग है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मेरा साइटेक्स स्टूडियो ओपन करता हूँ, ठीक है। हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं एंड प्रोजेक्ट का नेम रहेगा टेस्ट प्रोजेक्ट एंड देन ओके, ठीक है। अब इस प्रोजेक्ट को हम एक्टिव करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, हम ग्राफिक्स बिल्डर में हमारे वैल्यूज को डिस्प्ले करने के लिए हम नंबर वाला जो टूल है उसे यूज करते हैं, लेकिन उससे पहले हमें एक पेज क्रिएट करना है एंड उससे भी पहले ये जो टैग हमने यहाँ पे क्रिएट किए हैं वो हमें स्काडा के साथ कनेक्ट करने होंगे, ठीक है। उसके बाद ही हम इन टैग्स का वैल्यू स्काडा में रीड कर पाएंगे साइटेक्स स्काडा में, ठीक है। तो उसे हम कैसे कनेक्ट करें, ठीक है। सो ये मेन क्वेश्चन है कि इन दोनों का कनेक्शन हम कैसे क्रिएट करें। तो सबसे पहले तो आपको साइटेक्स स्टूडियो में जाना है, उसके बाद यहाँ पे मेनू ऑप्शन में जाना है एंड उसके बाद यहाँ पे टॉपोलॉजी करके ऑप्शन है उसमें जाना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन अवेलेबल है आईओ डिवाइसेस इन द सेंस इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। अगर आपको ओपीसी डीए से डेटा रीड करना है तो भी आपको आईओ डिवाइसेस में जाना है, अगर आपको मोडबस से डेटा रीड करना है तो भी आपको एक नया आईओ डिवाइस बनाना पड़ेगा एंड अगर आपको ओपीसी यूएस से डेटा रीड करना है देन ऑल्सो यू हैव टू क्रिएट वन आईओ डिवाइस, ठीक है। एंड अगर आपको किसी और पीएलसी के साथ भी कम्युनिकेट करना है, जैसे सीमेंस का पीएलसी है, मित्सुबिशी का पीएलसी है,
ठीक है, एलियन ब्रैडली का पीएलसी है, तो भी आपको आईओ डिवाइस क्रिएट करना रहेगा। ठीक है, सो आईओ डिवाइस क्रिएट कैसे करेंगे? ठीक है, स्पेसिफिकली फॉर मोडबस प्रोटोकॉल। सो यहाँ पे दो आईओ डिवाइस ऑलरेडी बने हुए हैं, जो कि इंटरनल है एंड साइकोड आईओ डिवाइस है। ठीक है, इन दोनों को आपको चेंज नहीं करना है, एज इट इज रखना है। ठीक है, अगर आपने चेंज किया तो भी इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन अवेलेबल है, कॉन्फ़िगर कम्युनिकेशन फॉर अ न्यू डिवाइस। ठीक है, उस पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, उसके बाद आपका प्रोजेक्ट कौन सा है, टेस्ट प्रोजेक्ट। ठीक है, उसके बाद आपको नेक्स्ट पर प्रेस करना है। उसके बाद क्रिएट अ न्यू आईओ सर्वर आइदर यूज एन एग्जिस्टिंग आईओ सर्वर। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे सर्वर का नेम, ठीक है, आईओ सर्वर 1, ये मेरा एग्जिस्टिंग आईओ सर्वर है। ठीक है, अगर आपको कोई नया आईओ सर्वर बनाना है तो आप यहाँ से बना सकते हैं, अदरवाइज जो एग्जिस्टिंग आईओ सर्वर है उसे ही यूज कर सकते हैं। ठीक है, मैं अभी जो एग्जिस्टिंग आईओ सर्वर है उसे ही यूज करता हूँ। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पर प्रेस करता हूँ। देन यहाँ पे ऑप्शन है क्रिएट अ न्यू आईओ डिवाइस। ठीक है, यहाँ पे आईओ डिवाइस आपको क्रिएट करना है। आईओ डिवाइस मीन्स सर्वर तो आपने क्रिएट कर दिया, उसके बाद यहाँ पे जो नेम है, ठीक है, यहाँ पे देखो आईओ डिवाइस का नेम क्या है, इंटरनल आईओ डिवाइस एंड यहाँ पे साइकोड आईओ डिवाइस। अब मुझे किसके साथ कम्युनिकेट करना है, मोडबस के साथ, तो मोडबस, ठीक है, मोडबस आईओ डिवाइस मेरा। ठीक है, उसके बाद ये मोडबस जो है वो मेरा एक्सटर्नल आईओ डिवाइस है। ठीक है, मैं पीएलसी से उस वेरिएबल को रीड कर रहा हूँ, पीएलसी का डेटा मुझे साइटेक्स कार्डा में चाहिए, तो वो मेरा कम्प्लीटली एक्सटर्नल आईओ डिवाइस हुआ। ठीक है, सो दैट्स व्हाई मुझे यहाँ पे टिक करना है एंड देन नेक्स्ट पे जाना है। ठीक है, उसके बाद मेरा पीएलसी है M580 पीएलसी एंड उसमें मुझे मोडबस से डेटा रीड करना है, तो मुझे ये वाला जो ऑप्शन है वो सिलेक्ट करना है। ठीक है, सो मोडबस टीसीपी ईथरनेट वाला ऑप्शन मैंने पीएलसी M580 मॉडल में सिलेक्ट किया। आप यहाँ पे देख सकते हैं स्नाइडर इलेक्ट्रिक का जो मेनू है उसके अंदर आपको M580 पीएलसी मिलेगा एंड उसके अंदर हमारे दो प्रोटोकॉल है, OFS OPC, यानी कि अगर आपको OPC DA से डेटा रीड करना है तो आप ये वाला ऑप्शन चूज करोगे एंड अगर आपको मोडबस से डेटा रीड करना है तो आप ये वाला ऑप्शन चूज करोगे। ठीक है, एंड अगर आपका मित्सुबिशी का PLC है या फिर आपका एरियन बिल्डिंग का PLC है या फिर आपका सीमेंस का PLC है तो फिर आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ऑप्शन चूज कर सकते हैं। ठीक है, सो अभी हमारा PLC है स्नाइडर इलेक्ट्रिक। ठीक है, एंड उसके अंदर हमारा PLC है स्पेसिफिक मॉडल M580 एंड उसके अंदर हमारा प्रोटोकॉल हमें चूज करना है मोडबस TCP ईथरनेट। ठीक है, सो ये मैंने सिलेक्ट कर दिया, उसके बाद नेक्स्ट। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे IP एड्रेस पूछ रहा है, तो ये IP एड्रेस वही IP एड्रेस है जो यहाँ पे शो हो रहा है आपको। ठीक है, अगर आपका हार्डवेयर PLC आपके सिस्टम के साथ लगा हुआ है तो उसका IP एड्रेस भी आपको यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, वही IP एड्रेस आपको यहाँ पे एंटर करना है। सो यहाँ का IP एड्रेस होगा 127.0.0.1। ठीक है, एंड मोडबस के लिए आपका फिक्स पोर्ट होता है पोर्ट नंबर 502। हालांकि उसे आप चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन अभी हमने डिफॉल्ट जो सेटिंग्स है उसी को रहने दिया है, दैट्स व्हाई यहाँ पे पोर्ट आएगा पोर्ट नंबर 502। देन उसके बाद नेक्स्ट। ठीक है, अगर आपका OPC UA या फिर OPC DA होता तो लिंक आईओ डिवाइस टू एक्सटर्नल टैग डेटाबेस, वो ऑप्शन हम सिलेक्ट करते हैं। हमारा यहाँ पे मोडबस प्रोटोकॉल पे हम डेटा लेने वाले हैं, दैट्स व्हाई हम ये वाला ऑप्शन यहाँ पे चूज नहीं करेंगे, बिकॉज मोडबस इज नॉट सपोर्टिंग टैग ब्राउज फैसिलिटी। ठीक है, सो हम इसे एज इट इज डिफॉल्ट रहने देंगे एंड उसके बाद नेक्स्ट पर प्रेस करेंगे एंड देन फिनिश। ठीक है, सो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा एक नया आईओ सर्वर, सॉरी नया आईओ डिवाइस क्रिएट हो गया है। ठीक है, एंड आईओ सर्वर हमारा है आईओ सर्वर 1 एंड आईओ डिवाइस है मोडबस एंड प्रोटोकॉल है मोडनेट 30। ठीक है, सो ये हमारा आईओ डिवाइस यहाँ पे क्रिएट हो गया। अब मोडबस जो है वो टैग ब्राउज का फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करता। ठीक है, तो उसके लिए आपको मैन्युअली यहाँ पे टैग क्रिएट करने रहेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे आपको मेनू में जाना है एंड देन सिस्टम मॉडल में जाना है एंड देन वेरिएबल में जाना है। उसके बाद आपको यहाँ पे टैग का नेम आपको डिफाइन करना है। ठीक है, आपने जो टैग का नेम पीएलसी में दिया है वही टैग का नेम आप स्काडा में भी दे सकते हैं एंड अगर आपको वो उस टैग का नेम चेंज करना है तो आप कर सकते हैं, वो आप पे डिपेंडेंट है। ठीक है, सो यहाँ पे वार 1, वार 2 एंड वार 3 सेम एज इट इज मैं यहाँ पे नाम लूंगा, वार 1, उसके बाद वार 2, उसके बाद वार 3। ठीक है, यहाँ पे आएगा V कैपिटल।
ठीक है। उसके बाद क्लस्टर नेम, तो क्लस्टर नेम हमारा डिफॉल्ट है क्लस्टर वन, सो क्लस्टर वन यहाँ पे सिलेक्ट करना है। उसके बाद आईओ डिवाइस है हमारा मोडबस आईओ डिवाइस, सो यहाँ पे हमें मोडबस आईओ डिवाइस सिलेक्ट करना है। एंड देन डेटा टाइप है हमारे जो वेरिएबल वन है उसका डेटा टाइप है बुलियन, सेकेंड जो है उसका इंटीजर, एंड थर्ड जो है उसका रियल। तो यहाँ पे आएगा डिजिटल, इंटीजर एंड रियल, ठीक है। एंड उसका एड्रेस, अब एड्रेस यहाँ पे कौन सा आएगा, यहाँ पे जो मैंने एड्रेस लिखा है सेम टू सेम वही एड्रेस आप वहां पे यूज कर सकते हैं। तो परसेंटेज एम जीरो, परसेंटेज एम डब्ल्यू जीरो एंड परसेंटेज एम डब्ल्यू टू। तो यहाँ पे आएगा परसेंटेज एम जीरो, उसके बाद आएगा परसेंटेज एम डब्ल्यू जीरो एंड उसके बाद आएगा परसेंटेज एम डब्ल्यू टू, ठीक है। सो यहाँ पे जो एड्रेस था वो हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। उसके बाद इस सभी वेरिएबल को सेव करना है, ठीक है। उसके बाद हमें ग्राफिक्स बिल्डर में जाना है, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे एक नया पेज क्रिएट करेंगे, ठीक है। हमारा रेजोल्यूशन जो डिफॉल्ट था वही ले लेंगे एंड यहाँ पे ब्लैंक टेम्पलेट को चूज करेंगे। उसके बाद यहाँ पे नंबर वाला जो टूल है उसका यूज करेंगे, ठीक है। सो ये हमारा यहाँ पे आ गया। उसके बाद हमें न्यूमरिक एक्सप्रेशन यहाँ पे देना है, ठीक है। सो हमारे तीन टैग थे, ठीक, तीन टैग है। उसमें जो पहला टैग है वो डिजिटल टैग है, उसका वैल्यू दो ही पॉसिबल वैल्यू हो सकता है, आइदर वो जीरो हो सकता है, आइदर वो वन हो सकता है। सो यहाँ पे मैंने इस वेरिएबल को कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट किया एंड उसका टाइप क्या है, ऑन एंड ऑफ। अगर ऑफ है तो वहां पे जीरो आएगा, ऑन है तो यहाँ पे वन आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम जनरल में चलते हैं, इसका जो फॉन्ट साइज है वो थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है, एंड देन ओके, ठीक है। अगर उसका वैल्यू जीरो है, उस वेरिएबल का वैल्यू अगर जीरो है तो यहाँ पे जीरो शो होना चाहिए एंड उस डिजिटल वेरिएबल का वैल्यू वन है तो यहाँ पे वन शो होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मेरा है वेरिएबल वन का वैल्यू, ठीक है, उसका भी हम साइज 26 बोल्ड, ठीक है, एंड इन दोनों को हम कर देते हैं अलाइन, ठीक है। उसके बाद हमारा आएगा वेरिएबल टू एंड वेरिएबल थ्री। सो यहाँ पे मेरा है वेरिएबल टू एंड देन मेरा वेरिएबल थ्री, ठीक है। सो इनको सभी को अलाइन कर लेते हैं लेफ्ट साइड में, ठीक है, सॉरी लेफ्ट साइड में अलाइन कर लिया। उसके बाद यहाँ पे जो हमने न्यूमरिक नंबर वाला जो टूल यूज किया था उसी टूल को हम दोबारा यूज करेंगे, ठीक है। सो एक यहाँ पे एंड एक यहाँ पे, ठीक है। एंड जो वेरिएबल टू है वो क्या है, इंटीजर है, ठीक है। सो वेरिएबल टू का वैल्यू इंटीजर है, तो मैंने इस पे डबल क्लिक किया न्यूमरिक एंड देन पेस्ट किया एंड उसके बाद मेरा सपोज मैं यहाँ पे फोर डिजिट मुझे यहाँ पे प्रिंट करते हैं, ठीक है, मेरा फॉर्मेट होगा मैक्सिमम फोर डिजिट वाला। सो मैंने यहाँ से इसे सिलेक्ट कर लिया, जनरल में गया, उसका साइज मैंने 26 एंड बोल्ड सिलेक्ट कर लिया एंड ओके, ठीक है। एंड मेरा जो वेरिएबल थ्री है उसका डेटा टाइप क्या है, रियल है, इट मीन्स मेरे डेसिमल पॉइंट के बाद कुछ ना कुछ वैल्यू तो जरूर आएगी। सो यहाँ पे मैं कुछ इस तरह का फॉर्मेट चूज कर लेता हूँ एंड यहाँ पे मेरा वेरिएबल थ्री, इसका टैग के नेम को मैंने कॉपी किया एंड यहाँ पे पेस्ट किया। उसके बाद अगेन मैं जनरल टैब में गया, इसका फॉन्ट साइज 26, स्टाइल बोल्ड एंड देन ओके, ठीक है। अब इन तीनों को हम अलाइन कर देते हैं लेफ्ट साइड में एंड देन ओके। उसके बाद इन दोनों को सेंटर में, इन दोनों को सेंटर में एंड देन इन दोनों को सेंटर में, ठीक है। सो यहाँ पे आपको वेरिएबल वन का वैल्यू मिलेगा, उसके बाद यहाँ पे आपको वेरिएबल टू का वैल्यू मिलेगा एंड यहाँ पे आपको वेरिएबल थ्री का वैल्यू मिलेगा, ठीक है। सो इस तरह से हमें तीनों तीन वेरिएबल का वैल्यू यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। अब इस पेज को सेव कर लेते हैं एंड हमारा रहेगा पेज वन जैसा कि हम पहले से ही सेव करते आए हुए हैं, ठीक है। अभी हमने इसको सेव कर दिया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इन तीनों वेरिएबल को एनिमेशन टेबल में लेके चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया हमारा एनिमेशन टेबल। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं तीनों तीन जो वेरिएबल है उन सभी का वैल्यू क्या है, जीरो, ठीक है। तो इनिशियल वैल्यू है सबका जीरो। तो अब हम क्या करते हैं, साइटेक स्टूडियो में चलते हैं, सेटअप विजार्ड रन करते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक्सप्रेस सेटअप,
नेक्स्ट नेक्स्ट एंड देन यहाँ पे शो मास्टर पेज ओनली को डिसेबल करना है एंड यहाँ पे हमारा पेज वन देन नेक्स्ट 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 एंड देन फिनिश ठीक है। उसके बाद इस प्रोजेक्ट को पैक करना है, उसके बाद अगेन इसे कंपाइल करना है ठीक है, उसके बाद इसे रन करना है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो तीनों तीन वेरिएबल हैं उन सभी का वैल्यू क्या आ रहा है यहाँ पे जीरो। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ किसी एक वेरिएबल का वैल्यू यहाँ पे चेंज करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ये बुलियन है तो यहाँ पे मैंने इसका वैल्यू कर दिया वन। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरा ये वैल्यू यहाँ पे चेंज हो गया। उसके बाद जो मेरा वेरिएबल थ्री है वो है रियल टाइप का। ठीक है, तो उसका वैल्यू मैंने लिखा 25.36। ठीक है, तो वो आप यहाँ पे देख सकते हैं वो वैल्यू यहाँ पे पब्लिश हो गया। एंड जो मेरा वेरिएबल टू है वो है इंटीजर वेरिएबल, तो 2525 मैंने यहाँ पे लिखा तो वो मेरा यहाँ पे शो हो गया। ठीक है, ये थोड़ा आगे पीछे इसलिए हो रहा है बिकॉज हमने जो फॉर्मेट यहाँ पे सिलेक्ट किया था। ठीक है, अगर आपने फॉर्मेट ठीक से देखा होगा तो आपको पता होगा यहाँ पे जो हमने फॉर्मेट सिलेक्ट किया था अगर कंप्लीट आगे हमारे 5 नंबर ऑफ डिजिट्स है तो वो एग्जैक्टली अलाइन होगा। ठीक है, सो अगर मैं इसकी वैल्यू चेंज कर दूं 25255.36 तो वो एग्जैक्टली मेरा अलाइन हो गया। ठीक है, तो इस तरह से मेरा जो पीएलसी में वैल्यू चेंज हो रहा है ठीक है वो मैं वैल्यू मेरा मोडबस प्रोटोकॉल के थ्रू मुझे स्काला पे शो हो रहा है। ठीक है, सो इस तरह से हम साइटेक्स स्काला का मोडबस प्रोटोकॉल के साथ कम्युनिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, सो सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने एक पीएलसी का प्रोजेक्ट बनाया। ठीक है, उसके बाद उस प्रोजेक्ट में हमने तीन वेरिएबल को इंक्लूड किया। ठीक है, पहले वेरिएबल पहला जो वेरिएबल है उसका टाइप क्या है, बुलियन है। सेकंड जो वेरिएबल है वो इंटीजर टाइप है एंड जो थर्ड है उसका रियल टाइप है। ठीक है, एंड उसका एड्रेस क्या है, फर्स्ट वेरिएबल का परसेंटेज M0, सेकंड का परसेंटेज MW0 एंड थर्ड है उसका एड्रेस है परसेंटेज MW2। ठीक है, उसके बाद हमने इस पीएलसी को सिमुलेशन में एंटर किया। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरा सिमुलेटर ऑलरेडी रनिंग है। ठीक है, सो सिमुलेटर रनिंग है इट मीन मेरा ये जो PLC का सिमुलेटर रनिंग है उसमें ऑलरेडी मेरा मोडबस सर्वर इनेबल है। ठीक है, दैट्स व्हाई मैं इस वेरिएबल की वैल्यू को मेरे साइटेक्स स्काडा में रीड कर सकता हूं। ठीक है, उसके बाद हमने साइटेक्स स्टूडियो में क्या किया, सबसे पहले तो हम टॉपोलॉजी में गए, उसमें हमने एक IO डिवाइस बनाया। ठीक है, IO डिवाइस कहां से बनता है, यहां पे न्यू डिवाइस पे क्लिक करना है, आपका प्रोजेक्ट सिलेक्ट करना है, आपको एग्जिस्टिंग IO सर्वर या फिर न्यू IO सर्वर बनाना है तो वो सिलेक्ट करना है। उसके बाद न्यू IO डिवाइस आपका जो भी नेम होगा IO डिवाइस का वो यहाँ पे एंटर करना है। उसके बाद नेक्स्ट, उसके बाद हमारा एक्सटर्नल IO डिवाइस है तो आपको ये वाला ऑप्शन चूज करना है। एंड देन आपको किस प्रोटोकॉल के साथ कम्युनिकेट करना है वो आपको यहाँ से चूज करना है। ठीक है, अगर आपका OPC DA होता तो आप OFS OPC चूज करते। अभी मेरा मोडबस है दैट्स व्हाई मैंने मोडबस TCP ईथरनेट वाला ऑप्शन जो है वो चूज किया है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट, उसके बाद आपको IP एड्रेस एंटर करना है जो भी आपका PLC है उसका जो मोडबस सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, एंड उसके बाद आपका पोर्ट नंबर 502 जो कि डिफॉल्ट पोर्ट है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट एंड देन फिनिश। ठीक है, सो इस तरह से आपका IO डिवाइस बनेगा एंड मोडबस डेटा ब्राउजिंग फैसिलिटी को सपोर्ट नहीं करता है। ठीक है, सॉरी, मोडबस टेक्स्ट ब्राउजिंग सपोर्ट फैसिलिटी को सपोर्ट नहीं करता है। सो दैट्स व्हाई आपको यहाँ पे जो टैग है वो मैन्युअली क्रिएट करना रहेगा। ठीक है, आप अगर एक्सेल शीट में बना के इसमें पेस्ट करते हैं तो वो वेल एंड गुड है, अदरवाइज आपको यहाँ पे सारे टैग मैन्युअली क्रिएट करने होंगे। ठीक है, आपको जो टैग नेम है वो एक्जैक्टली पीएलसी में जैसा दिया है वैसा देना है तो वो भी आप पर डिपेंडेंट है, अगर चेंज करना है तो वो भी आप पर डिपेंडेंट है। ठीक है, यहाँ पे IO डिवाइस में आपको वही IO डिवाइस चूज करना है जिसके साथ आप कम्युनिकेट करना चाहते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे मोडबस IO डिवाइस बनाया है इसीलिए बनाया है ताकि हम मोडबस प्रोटोकॉल से डेटा ले सके, रीड कर सके एंड अगेन मोडबस पे राइट कर सके। ठीक है, उसके बाद उसका डेटा टाइप यहाँ पे सिलेक्ट करना है कि डिजिटल है, इंटीजर है, रियल है या फिर कुछ और है तो वो भी आपको सिलेक्ट करना रहेगा। एंड देन उसके बाद उसका एड्रेस परसेंटेज M0, MW0, MW2 जैसा कि मैंने यहाँ पे एंटर किया हुआ है। ठीक है, उसके बाद इन सभी वेरिएबल का यूज करके जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था आप यहाँ पे अपने ग्राफिक्स में एड कर सकते हैं, यहाँ पे उसका फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं। ठीक है, डिस्प्ले फॉर्मेट एंड यहाँ पे आपको जो वेरिएबल को डिस्प्ले करना है
उस वेरिएबल का टैग आपको यहाँ पे एंटर करना है, ठीक है। यहाँ पे हमारा बुलियन टाइप वेरिएबल था, सो दैट्स व्हाई हमने ऑन ऑफ वाला जो कंडीशन है वो यूज किया। यहाँ पे हमारा इंटीजर टाइप टैग था, सो दैट्स व्हाई हमने फॉर्मेट कुछ इस तरह से लिखा, ठीक है। यहाँ पे डेसिमल पॉइंट हमने नहीं लिया है बिकॉज हमें मालूम है ये हमारा इंटीजर टाइप टैग है, ठीक है। उसके बाद हमारा लास्ट एंड फाइनल टैग है जो कि रियल टाइप है, उसमें हमें पता है उसमें डेसिमल पॉइंट आएगा, दैट्स व्हाई हमने यहाँ पे टू डेसिमल पॉइंट तक इसे फॉर्मेट दिया हुआ, ठीक है। एंड आप स्टिल यहाँ पे SCADA में चेक कर सकते हैं मेरी वैल्यूज, अगर मैं PLC साइट कहीं पे भी अपडेट करूंगा तो वो मेरी वैल्यूज यहाँ पे अपडेट होगी, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, एंड यहाँ पे मैंने जीरो किया तो यहाँ पे मेरी वैल्यू जीरो, ठीक है। तो इस तरह से आप अपने मोडबस का कम्युनिकेशन साइटेक्स SCADA के साथ कर सकते हैं, ठीक है। आप किसी भी मोड पर सपोर्ट करती हुई PLC से आप अपने साइटेक्स SCADA में डेटा भेज सकते हैं, एंड साइटेक्स SCADA से आप उस PLC में डेटा एंटर कर सकते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है कि अभी तो मैंने सिर्फ डेटा रीड किया है मेरे PLC से मेरे SCADA में, लेकिन मैं उसे राइट कैसे कर पाऊंगा, ठीक है। तो वो भी एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, उसका सोल्यूशन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि अगर आप PLC से डेटा रीड कर रहे हैं मोड बस के थ्रू तो फिर आप साइटेक्स SCADA से उस डेटा पे राइट कैसे कर सकते हैं, ठीक है। अगर मुझे यहाँ पे कुछ राइट करना है तो मैं नहीं राइट कर पाऊंगा, ठीक है। मेरा यहाँ पे कोई ऐसा फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है जिससे मैं रिटर्न राइट कर पाऊंगा यहाँ पे, ठीक है। मैं सिर्फ अगर PLC का कोई वैल्यू चेंज कर रहा है तो मैं सिर्फ उसे अभी SCADA पे रीड कर रहा हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे राइट नहीं कर पा रहा बिकॉज मैंने यहाँ पे ऐसा कोई फैसिलिटी एंटर ही नहीं किया है, ठीक है, ना ही अभी आपको बताया है, ठीक है। तो वो कैसे करना है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। अभी का वीडियो, आज का वीडियो सिर्फ इतना ही था कि आप मोडबस से डेटा रीड कैसे कर सकते हैं, उसके बाद आप IO डिवाइस कैसे बनाते हैं स्पेसिफिकली फॉर मोडबस प्रोटोकॉल, ठीक है। यहाँ पे मेरा PLC है M580 PLC, दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पे जब मैं ये IO डिवाइस बना रहा था तब मैंने यहाँ पे M580 PLC वाला ऑप्शन जो है वो चूज किया था, ठीक है। सो इस तरह से आप किसी भी PLC से मोडबस का डेटा साइटेक्स SCADA में रीड कर सकते हैं, ठीक है, जैसा कि हमने यहाँ पे देखा, ठीक है। सो अगर आपको इस वीडियो में कहीं पे कोई क्वेश्चन है या फिर कहीं पे कोई डाउट है तो फिर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, एज वेल एज ईमेल आईडी पे भी पूछ सकते हैं, ठीक है। सो आई होप इस वीडियो में आपको कुछ ना कुछ जानने को मिला होगा कि साइटेक्स SCADA का कम्युनिकेशन मोडबस प्रोटोकॉल के साथ कैसे करते हैं, IO डिवाइस कैसे बनाते हैं, यहाँ पे ग्राफिक पेज में उस वैल्यू को प्रिंट कैसे करते हैं, एंड यहाँ पे इस वैल्यू को अपडेट कैसे करते हैं, ठीक है। सो स्टिल यू हैव एनी क्वेश्चन एनी डाउट एनी कंसर्न यू कैन आस्क अस विदाउट एनी हेजिटेशन इन द कमेंट बॉक्स और इन द ईमेल बॉक्स। सो वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, गुड बाय एंड थैंक यू।